बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चटपट रेसिपी है ये। आलू मैंने छोटे छोटे किए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे मैंने ज़ीरा फ्राई किया और फिर आलू डाले, और आलू भी तकरीबन ये देखो गोल्डन गोल्डन से हो गए हैं और माशाल्लाह नरम भी हाफ नरम हुए हैं। अब इसमें मैं क्या डालती हूँ वो देखें। ये भिंडी, इसमें मैं अब भिंडी फ्राई कर रही हूँ। हल्दी जाएगा, नमक मैंने अब इस पे शामिल किया है। अब शामिल कर रही हूँ लहसुन, थोड़ा सा लहसुन शामिल किया है क्योंकि इसमें कोई गोश्त वगैरह नहीं है, कीमा चिकन के ज़्यादा। तो अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। दरदरा मिर्च, मिक्स मसाला, धनिया पाउडर फ्रेश मैंने की है ये धनिया। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। हाफ चम्मच अजवाइन, जी जब इस पॉइंट पर भिंडी और आलू पहुंचे तो फिर इस तरह प्याज और टमाटर मिक्स करके इसके ऊपर डालें। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करती हूँ ताकि भिंडी भी टूटे ना और टमाटर भी थोड़ा सा साबुत रहे। ये चिकन जलफरेजी की तरह मैं पका रही हूँ। टमाटर और क्या कहते हैं प्याज, ये ज़रा कच्चा होगा तो माशाल्लाह ये रंग बिरंगी कुदरत के नज़ारे देखें। तो बस इसी तरह बनाएं और थोड़ा सा फ्राई करें, फिर बिका दीजिए। अब सब्ज मिर्च और धनिया, ये चेक करें, ये सब्ज मिर्च इसमें जो है अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। जब ये इस तरह की आवाज़ आए ना जस, तो समझे कि ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं चूल्हा ज़रा स्लो करती हूँ ताकि ऑयल छोड़े, और बाकी देखिए कितने मज़े के हैं। तो ये चेक करें, ऑयल छोड़ दिया और बस ये फ्राई हो गए हैं। अब गरम गरम नान और लस्सी के साथ नोश फरमाए। ओहो क्या मज़ा है, मैंने थोड़े से चख लिए, बस दिल करता है कि सारे ही खा जाऊं। बाकी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान। लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगे।